होता है, ईयू में इन कर रहे हो आउट कर रहे हो, उसका स्टैंपिंग इनकम में ठीक है, नेटवर्क कम होगा अभी, ऑडियो लगाते हैं हम आपको, वीडियो बहुत हो रही है राखी के, आप लोगों का नेट ठीक है, बोलिए बोलिए, अभी नेट, अभी ठीक है नेटवर्क, मैं सारी चीजें भेज दूंगा। एक चीज मुझे और, ये पहले आप लोग ये नोट कर लो कि कब मैं इन किया हूँ कब आउट किया हूँ, और मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो लाइव रिकॉर्डिंग में, क्या हम होटल में मिले थे, क्या हम लंदन में मिले थे, क्या हम एक कमरे में गए थे, तो उसके लिए इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उससे आप लोग मीडिया लोग आप पूछो, वो इतनी बड़ी बड़ी झूठे नहीं, उसका कहना है रितेश, उसका कहना है रितेश जस्ट सेकंड, उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 007 से आगे निकल गया, 008 हो गया, उसका कहना है कि वो होटल की लॉबी के उसके पास पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं जो MI7 में दिखता है ना, वो सैटेलाइट कनेक्शन लेके उसने ले लिया, यूके गवर्नमेंट ने उसको गिफ्ट दे दिया, ले बेटा वीडियो फुटेज चाहिए ले जा, क्या वीडियो फुटेज है भाई, अब इससे बड़ा प्रूफ तो मैं नहीं दिखा सकता, ये देश का वीजा का एंट्री है, देश में इंटर होने का एंट्री है ठीक है, पहला। दूसरी बात कि अगर वो प्रूफ कर दे, मैं इतने लोगों के सामने, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इतने लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, अगर वो प्रूफ कर दे कि मैं होटल में राखी के साथ था, यूके में था, कभी राखी से मिला हूँ उस दौरान, तो मैं थूक के चाटूंगा यहाँ पे सबके सामने, सबके सामने, और जूते से अपने को मारूंगा सबके सामने। बट अगर ये प्रूफ नहीं कर पाया, ये प्रूफ नहीं कर पाया, तो मैं लीगल इस पर एक्शन लूंगा। रितेश सवाल ये है कि कल आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आपने जब आदिल और राखी की शादी होने वाली होती है उसके पहले आप आदिल को कॉल कर उन्हें समझाते हैं कि वो राखी से शादी ना करे, क्योंकि राखी ने आपके भी काफी सारे पैसे लूटे हैं, तो क्या आपने कॉल किया था, क्या आपने उन्हें वॉर्न किया था, ये बात सच है या नहीं? ये बातें सही है, मैंने उसको कॉल किया था, उसने कॉल किया था, एक्चुअली मैंने राखी को कॉल किया था और राखी से उसने कॉल पिक कर लिया था, वो बातें पूरी नहीं बताया, मैं राखी से बात कर रहा था, राखी बोल रही थी कि हाँ मेरा ये डिसीजन है, जो भी है हमारी बीच, हम जब हमारा फर्स्ट ये हुआ था कि हाँ राखी और मैं ब्रेकअप कर रहे हैं, तो जब राखी से मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो ये बंदा फोन लेके ये करने लगा, ये बंदा स्मार्ट नीच किस्म का इंसान है, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा कोई इससे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, बट ही इज रियली नीच, उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। और आदिल खान दुरानी, अब तेरी लड़ाई रितेश राज सिंह से है, अब तेरी लड़ाई मैं बहुत सहा, तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई ठीक है, मैं बहुत सहा, लेकिन आज तेरी सारी औकात में बता दूंगा, सारी औकात में बता दूंगा तू कौन है क्या है। ये बंदा देखो बहुत स्मार्टली इसने राखी को फंसाया पहला, उसके बाद इसने राखी को अलग किया, उस दिन भी ये देखो राखी रो रही थी जब हमारा, राखी ने मुझे फाइनल डिसीजन दिया कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं, मैंने पूछा कि क्यों राखी, उसने बताया कि राखी ने बताया कि नहीं तुम मुझे ये प्यार नहीं मिला वो प्यार नहीं मिला, जो भी राखी ने बोला, ये बंदा उसमें इतना स्मार्टली वो तुरंत फोन ले लिया, और ये जो आंसर टू योर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस बंदे ने फोन ले लिया और बोला कि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, हम लोग ये कर चुके हैं, और राखी आई वॉन्ट यू टू एडमिट दिस थिंग्स, आई डिड इट, मैंने बोला, रूम वाला बोला जो रूम में क्या हुआ था मैंने बताया है, ठीक है पहले ये ओके सो उसके बाद राखी बोल रही थी कि ठीक है लाइक चलो, मैंने बोला ठीक है जहां भी रहो खुश रहो, आई मीन आई नो लाइक, तब ये बंदा लेके कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है, हमने शादी कर लिया है, कोई नहीं, अब तुम उसको टॉर्चर करते थे ये करते थे, मैं बोला कि ठीक है राखी ईश्वर जानता है सब चीज, कौन टॉर्चर किसको करता था, एनीवे लाइक मैं इस पे नहीं जानना चाहता हूँ कि आप ठीक है, शॉर्टकट में बताओ तुम्हारी मेरी शादी हुई या नहीं हुई, शॉर्टकट में बताओ, कभी भी आपकी शादी राखी के साथ, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दैट, ओके सुन लो, ओके प्लीज, तो उसके बाद इसने सारी चीजें लाइक, और उसने बाद इसने पर्सनली ये बोला
कि ये मेरी वाइफ है, हम लोग शादी कर चुके हैं, तुम बीच में मत आओ, तुमको तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ये बंदा इंटेंशनली बोला उस दिन, और धमकी भी दी कि तुम बोलो आता हूँ मैं बिहार तुमसे बात करता हूँ, तुम कहाँ हो, ये सारी चीजें इसने बोली। रितेश, रितेश जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो, ब्रो ब्रो जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक वर्ड कि अगर कल जरूरत पड़ती है कोर्ट में आके ये वर्ड बोलने की, तो क्या आप तैयार हो इंडिया आके कोर्ट में बोलने के लिए? मैं 100% अवेलेबल हूँ सच बोलने के लिए। मैं राखी राखी के तरफ से, क्योंकि राखी लॉयल है, मैं आप लोगों राखी की जो चैट ये जो बता रहा है ना ये बंदा, तो आप लोगों को तो चैट दिखाया नहीं, क्योंकि ये इसके पास तो चैट है नहीं, तो ये दिखाएगा क्या, क्योंकि बट इसने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया है, ठीक है। तो मैं अब फॉर श्योर मैं लीगल एक्शन इस पर लूंगा, क्योंकि इसने मेरे कैरेक्टर पर सार्वजनिक रूप से मुझे बोला है। और मैं अब राखी की चैट दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कोई ये नहीं है चैट, मैं कोई मैनिपुलेटेड आंसर दे, जो हूँ ब्लंट हूँ मैं, क्यों मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। मैं आपको चैट दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट बस मुझे एक मिनट दे दो, लाइक राखी बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए हैं। तब तक रितेश एक सवाल का जवाब दे दो जो सब सुनना चाहते हैं।